एपिसोड 33 घर चलो। वरुण ने आखिरकार वही किया था जिसका शुक्ला जी को डर था। उसने बिना उनसे कुछ बताए डिस्कस किए न सिर्फ एक फैशन ब्रांड लॉन्च करने का फैसला ले लिया था बल्कि उसे मीडिया और प्रेस के सामने अनाउंस भी कर दिया था। वरुण के फैसले को लेकर शुक्ला जी का डर जायज था क्योंकि उसने अपने बिजनेस को अभी तक बस बाहर से देखा और समझा था। उसे काम करने का तजुर्बा एक दिन का भी नहीं था और ऊपर से पहले ही ऐसे वादे कर देना और फिर बाद में उसे पूरा ना कर पाना उसकी इमेज को खराब कर सकता था। लेकिन वरुण इन सारी चिंताओं से कोसों दूर जैसे ख्यालों के पंख लगाए सपनों की दुनिया में उड़ रहा था। तभी एक और जर्नलिस्ट ने वरुण का मजाक उड़ाते हुए उससे पूछा, तो सर वर्थ के लॉन्च होने की डेट भी हमें आज ही बता दीजिए ताकि हम अपनी तैयारी कर सकें। लेकिन वरुण उस जर्नलिस्ट के सवाल में छुपा तंज भाप लेता है और जवाब में कहता है, अब एक ब्रांड खड़ा करना कोई मनगढ़ंत न्यूज स्टोरी बनाने जितना आसान काम तो नहीं होता है ना सर। जो रात को सोचा और सुबह तैयार, थोड़ा इंतजार कीजिए, हम बहुत जल्द आपको इन्विटेशन भेजेंगे। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक गलत मोड़ लेता देख मिनी अगला सवाल पूछे जाने से पहले ही कहती है, आज के लिए इतने सवाल काफी हैं, यहाँ आने के लिए थैंक यू। ये सुनकर वरुण राहत की सांस लेकर अपनी चेयर से उठने लगता है लेकिन अभी भी जर्नलिस्ट के सवाल खत्म नहीं हुए थे और वो जाते हुए वरुण पर पीछे से अपने सवाल दाग रहे थे। लेकिन वरुण आगे बढ़ता जा रहा था। कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकलते हुए शुक्ला जी वरुण के साथ चलने लगे और उन्होंने धीरे से वरुण से पूछा, इतना बड़ा फैसला अकेले लेने का हक तुम्हें किसने दिया वरुण? कुछ भी अनाउंस करने से पहले तुम मुझे एक इशारा तो कर सकते थे। वरुण इस वक्त बहुत अच्छे मूड में था इसलिए उसने शुक्ला जी की बातों में झलक रही टेंशन और गुस्से को नजरअंदाज करते हुए कहा, आपको इशारा कैसे देता शुक्ला जी, जब ये आइडिया ही मुझे आपकी फटकार सुनने के बाद आया। अपने हाथ में अभी भी अपनी जीती हुई ट्रॉफी थामे वरुण शुक्ला जी और मिनी के साथ वापस पार्टी हॉल में आ पहुंचा था और जाते हुए मेहमानों से एक एक करके हाथ मिला रहा था कि तभी पीछे से उसके कंधे पर एक हाथ आया जिसकी आहट पाकर वरुण चौंक गया। वरुण ने पीछे मुड़कर देखा तो वो हाथ किसी और का नहीं बल्कि मिस्टर लॉरेंस का था। वरुण ये तो जानता था कि मिस्टर लॉरेंस उसकी पार्टी में आने वाले हैं लेकिन उसे इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि वो अभी तक पार्टी में रुके होंगे। हामिद लॉरेंस लॉ ऑफ बिजनेस ब्रांड के मालिक उसके सामने खड़े हैं। वरुण को इस बात का भरोसा नहीं हो रहा था। एक टॉल डार्क हैंडसम पर्सनालिटी का जीता जागता एग्जाम्पल थे हामिद लॉरेंस, जिनके फैशन को वरुण के कॉलेज में एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाता था। वरुण अभी तक लॉरेंस का हाथ थामे खड़ा उनके चेहरे को देख रहा था जैसे एक बच्चे को उसका मन पसंद खिलौना मिल गया हो। और फिर उसने खुद को ख्यालों की दुनिया से बाहर खींचते हुए उनसे पूछा, सर आप अभी तक यहाँ, मुझे बहुत खुशी है कि आप अभी तक यहाँ हैं और सॉरी आपको इतनी देर इंतजार करना पड़ा। लॉरेंस अभी तक सिंघानिया ग्रुप का सबसे बड़ा कस्टमर था जो अपनी पार्टीज के लिए हर तरह के ड्रग्स ऑर्डर करता था लेकिन उसके अड़ियलपन की वजह से शुक्ला जी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और आज वरुण के मुंह से उस अड़ियल लॉरेंस के लिए सर सुन के वो चौंक गए थे। तभी लॉरेंस वरुण के हाथ से धीरे से अपना हाथ छुड़ाता हुआ कहता है, मैंने सोशल मीडिया पर कुछ स्टोरीज देखी लवली फैशन शो की जिसमें मुझे टैग किया गया था और फिर मुझे उन स्टोरीज में हमारी आज की पार्टी का होस्ट यानी तुम दिखे इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए रुक गया। और फिर वो वरुण के हाथ की ट्रॉफी को अपने हाथ में लेता हुआ कहता है, एप्रिसिएशन अवार्ड, शुरुआत अच्छी है। वैसे मैंने तुम्हारी अनाउंसमेंट सुनी अभी, वर्थ के लिए कोई भी मदद चाहिए हो तो बताना। ये सुनकर वरुण एक बार फिर लॉरेंस का हाथ पकड़ते हुए कहता है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, आपका एक ऑटोग्राफ मिल सकता है प्लीज, वो मेरी फ्रेंड्स आपके बहुत बड़े फैन हैं और मैं भी। ये कहते हुए वरुण अपने पास से गुजर रहे वेटर की ट्रे से कुछ टिश्यू पेपर्स उठा लेता है और शुक्ला जी की पॉकेट से पेन निकालकर उन्हें दे देता है। शिरीष और ऋषि के लिए दो टिश्यूज पर साइन लेने के बाद वरुण डिंपल के बारे में सोचकर तीसरा टिश्यू भी मुस्कुराता हुआ आगे कर देता है और लॉरेंस उन सब पर साइन कर देता है। लॉरेंस के वहां से जाने के लिए मुड़ने के बाद भी वरुण को भरोसा नहीं हो पा रहा था कि वो सच में उससे मिला है इसलिए उसने एक्साइटमेंट में चिल्लाते हुए लॉरेंस से कहा, मैं बहुत जल्द आपसे मिलने आऊंगा सर, प्लीज मुझे अपना स्टूडेंट समझिए। वरुण की आवाज सुनकर लॉरेंस एक बार पलटता है
और वरुण की जगह मिनी को ऊपर से नीचे देखकर मुस्कुराता है और वहां से चला जाता है। लॉरेंस के जाने के बाद वरुण जैसे ही पीछे मुड़ता है उसका सामना शुक्ला जी से होता है और उसकी सारी खुशी एक पल में हवा हो जाती है। अब तक वो पार्टी हॉल पूरा खाली हो चुका था, बस कुछ वेटर्स और होटल का स्टाफ था जो हॉल की साफ सफाई में लग गया था। मिनी अपनी हाई हील्स उतार कर आराम से एक चेयर पर बैठ जाती है और शुक्ला जी वरुण पर नाराज होते हुए कहते हैं, आज की शाम इससे ज्यादा बर्बाद नहीं हो सकती थी और सारी बर्बादी की जड़ तुम हो। और मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम उस हामिद से दूर रहोगे, समझे? वरुण जिस लॉरेंस को अपना गुरु मानता था उसकी ऐसी तौहीन सुनकर वो थोड़ा नाराज होता हुआ शुक्ला जी से कहता है, सॉरी शुक्ला जी, लेकिन मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता। इस पूरी पार्टी में मेरे काम का बस एक आदमी था और वो थे मिस्टर लॉरेंस, बाकी किसी के काम से मुझे कोई मतलब भी नहीं है। शुक्ला जी जानते थे कि इस बात पर बहस करने से कोई मतलब नहीं है, इसलिए उन्होंने बात बदलते हुए वरुण से कहा, आज तुम होटल में ही रुककर आराम करो और कल हॉस्टल से अपना सारा सामान लेकर सिंघानिया हाउस पहुंच जाना। शंकर तुम्हारी मदद कर देगा, क्योंकि आज की तुम्हारी हरकतों के बाद तो मैं तुम्हें तुम्हारे भरोसे तो नहीं छोड़ सकता। वरुण के लिए सिंघानिया हाउस में रहने का मतलब था अपने दोस्तों और कॉलेज से दूर रहना, जो उसे बिल्कुल गवारा नहीं था। लेकिन शुक्ला जी के चेहरे की गंभीरता को देखते हुए वरुण की उनसे कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं हुई और गुस्से में होटल की सीढ़ियां चढ़ता हुआ वरुण अपने कमरे में पहुंच गया। वहीं शुक्ला जी और मिनी थोड़ी देर बात करने के बाद अपने अपने घर को निकल गए। रातों रात वरुण को जो नाम और शोहरत मिली थी, वरुण अभी तक इस बात से अनजान था, क्योंकि आज शाम से उसने अपना सोशल मीडिया नहीं चलाया था। वरुण के सिंघानिया ग्रुप के नए CEO बनने की खबर हर न्यूज वेबसाइट पर ब्रेकिंग न्यूज बनकर छाई हुई थी और हर कोई इस खबर को अपने सोशल नेटवर्क पर शेयर कर रहा था, जैसे ये उनके घर की ही बात हो। और जिन लोगों की किसी फोटो के बैकग्राउंड में भी वरुण था, वो उस फोटो को पोस्ट करके पूरी दुनिया को बता रहे थे कि वो वरुण को जानते हैं। वरुण के बारे में ये खबर मिलने के बाद माया झुंझलाती हुई पब से सीधे घर चली गई थी, जैसे उसके हाथ से सोने के अंडा देने वाली मुर्गी निकल गई हो। वहीं रोहन, समर और दिग्विजय समर के घर पर बैठे अभी तक सोच रहे थे कि शायद वो तीनों नशे की हालत में वरुण को वरुण सिंघानिया समझ रहे हैं। लेकिन जब धीरे धीरे रोहन का नशा उतरता है तो वो अपने सोशल मीडिया पर हर जगह वरुण की स्टोरी देखकर तमतमा उठता है और अपना फोन सोफे पर एक तरफ फेंकता हुआ समर और दिग्विजय से कहता है, मुझे पता था कि जरूर इस चूजे के हाथ कोई खजाना लगा है, तभी ये इतना उछल रहा है। वो लॉटरी वॉटरी ये सब बहाना था, इसे तो अपने कुंभ के मेले में खोया हुआ बाप मिल गया था। इसी पैसे और पावर के दम पे तो वो इतना स्टाइल मार रहा था, पब में पार्टी, वो ब्लैक कार्ड, सब अब सब समझ में आ रहा है मुझे। लेकिन पास ही बैठे दिग्विजय और समर जैसे रोहन की बातों पर अब ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि जब से उन्हें वरुण के सिंघानिया ग्रुप के CEO होने के बारे में पता चला था, वो दोनों यही सोच रहे थे कि कहीं उन्होंने रोहन का साथ देकर गलत तो नहीं किया, क्योंकि सबको पता था कि अमीरों की जिस लिस्ट में रोहन के राय प्रकाश परिवार का नाम छठवें या सातवें नंबर पर झूलता है, सिंघानिया ग्रुप उस लिस्ट में पिछले 10 सालों से टॉप पे बना हुआ है। ऊपर से इस वक्त रोहन को तो उसके पापा ने घर से भी निकाल दिया था, जिसकी वजह से वो पाई पाई के लिए समर और दिग्विजय का मोहताज था। रोहन को इस तरह चिढ़ता हुआ देखकर समर उससे कहता है, रोहन भाई, अब तो वो वरुण तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला, अब वो तुम्हारे सामने झुकेगा नहीं, बल्कि मुझे तो डर है कि कहीं वो हमसे बदला लेने पर उतारू ना हो जाए। वरुण का अब जो रुतबा था उसके हिसाब से समर की बात सही थी, इसलिए दिग्विजय ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। लेकिन रोहन का घमंड इतनी जल्दी चूर नहीं होने वाला था, इसलिए उसने ताओ में कहा, नहीं, हमसे बदला ले सके अभी उसकी इतनी औकात नहीं है। रोहन ने भले शेखी भगारने के लिए समर और दिग्विजय के सामने ये कह दिया था, लेकिन सच तो ये था कि वो भी अंदर ही अंदर डरा हुआ था। अब रोहन मन ही मन सोचने लगा था कि अगर उसे वरुण के साथ मुकाबले में बने रहना है तो उसे पैसे की जरूरत होगी, जो जरूरत समर और दिग्विजय तो मिलकर भी पूरा नहीं कर सकते थे। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो अपने पापा के पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है। जहां रोहन वरुण को हराने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था, वहीं दूसरी तरफ अपने होटल के सबसे शानदार किंग साइज बेड पर लेटने के बाद भी वरुण को नींद नहीं आ रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि शुक्ला जी इतनी आसानी से उसे हॉस्टल से घर आने के लिए कैसे कह सकते हैं, वो भी उस घर में जिसमें घर जैसा कुछ नहीं था, न लाड करने वाली माँ, न डांटने वाले पिता, न साथ खेलने के लिए भाई बहन, न ही और कोई अपना।
इतने बड़े घर में अकेला आखिर वो करेगा भी क्या। हॉस्टल में कम से कम उसे अपना कहने वाले दो दोस्त तो हैं। वरुण किसी हाल में हॉस्टल नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए शुक्ला जी के इस फैसले को टालने के लिए मन ही मन बहाने ढूंढते हुए उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह नींद खुलने पर पहले तो वरुण को समझ में नहीं आया कि वो कहाँ है। फिर कल रात की कहानी याद आते ही वो ये सोचकर अपना माथा पकड़कर बैठ जाता है कि उसे अपने दोस्तों को छोड़कर अब अपने घर रहने जाना है। तभी वरुण को ख्याल आता है कि अब उसे अपने दोस्तों से कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है और वो उनके साथ जो करना चाहे जहां जाना चाहे जा सकता है। इस बात पर खुश होता हुआ वरुण रूम सर्विस को कॉल करता है और कमरे में चाय लाने को कहता है। लेकिन उनके आने पर जब दरवाजा खुलता है तो देखता है कि होटल स्टाफ के यूनिफॉर्म में एक लड़का और लड़की उसके लिए एक ट्रॉली पर दो ट्रे भरकर नाश्ता और पहनने के लिए कुछ नए कपड़े लिए खड़े हैं। ये देखकर वरुण उन्हें भी ये बोलने ही वाला होता है कि उसने इतना सब कुछ ऑर्डर नहीं किया है। उसे याद आता है कि वो इस होटल का मालिक है और बेशक ये सब चीजें उसे ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है। नहा धोकर तैयार होने के बाद वरुण पेट भर के नाश्ता करता है, वो भी ऐसा जैसा उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं किया था। और फिर लॉरेंस के साइन किए हुए वो तीन टिश्यू पेपर संभाल कर अपने जेब में रखता हुआ अपने होटल के कमरे से निकल जाता है। वरुण को आश्चर्य होता है कि अपने कमरे से निकलकर गाड़ी में बैठने तक रास्ते में उसे होटल के जितने स्टाफ मेंबर्स दिखे सबने अपनी गर्दन झुकाकर उसे गुड मॉर्निंग विश किया था। होटल का मैनेजर खुद उसकी कार का दरवाजा खोले खड़ा था। ये सब देखकर वरुण ने मन ही मन खुद से कहा, अब इन सब की आदत डाल ले वरुण। अपनी कार में बैठे हॉस्टल की तरफ बढ़ता हुआ वरुण खुद से बातें करता हुआ कहता है, शिरीष और ऋषि को तो विश्वास ही नहीं होगा जब मैं उन्हें बताऊंगा कि मैं लॉरेंस से मिला था, और पता नहीं मेरी असलियत जाने के बाद वो कैसे रिएक्ट करेंगे। और डिंपल, अरे हाँ, कल रात को उसने कहा था कि उसे मुझसे कुछ बात करनी है, हॉस्टल से लौटते समय उससे भी मिलूंगा। आज वरुण अपने तीनों दोस्तों से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड था, और ये देखकर भी कि कल रात से अब तक उसे लगभग उसके क्लास के हर स्टूडेंट का मैसेज या कॉल आ चुका है सिवाय शिरीष, ऋषि और डिंपल के, जो कि उसके लिए हैरानी की बात थी। एग्जाम खत्म होने के बाद कॉलेज में 2 महीने की छुट्टियां लग गई थी, इसलिए आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स हॉस्टल छोड़ अपने घर जा चुके थे। लेकिन ऋषि राजनीति और अपने परिवार से दूर रहने के लिए हॉस्टल में ही रुका था, और शिरीष को एक इंटर्नशिप का ऑफर मिल गया था, इसलिए वो भी छुट्टियां हॉस्टल में ही बिताने वाला था। अपने कमरे के सामने पहुंचने तक वरुण को जितने लोग सीढ़ियों या कॉरिडोर में मिले वो सब वरुण को घूरते हुए जा रहे थे, लेकिन वरुण उन पर ध्यान नहीं देता और अपने कमरे के बाहर पहुंच कर देखता है कि कमरे के दरवाजे पर बाहर से कुंडी लगी हुई है। कमरे के अंदर जाने पर वरुण देखता है कि पूरा कमरा बिखरा हुआ है और शिरीष का सारा सामान वहां से गायब है, जैसे शिरीष कभी उसके साथ रहता ही नहीं हो। तभी वरुण की नजर अपने बिस्तर पर रखी एक सफेद रंग की कैप पर पड़ती है, जो उसने ऋषि के बर्थडे पर बड़े प्यार से उसे गिफ्ट किया था। उस कैप को वहां देखकर वरुण को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है और शिरीष का सारा सामान कहां चला गया, उसके दोनों दोस्त कहां चले गए, क्या है शिरीष के इस तरह अचानक गायब हो जाने का राज। जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर।